आपका स्वागत है सचित भारत चैनल पे। दोस्तों आपका प्रैक्टिस चैनल को स्वागत है। अगर किसी ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लें। आपको हर दिन संस्कृति भारत के बारे में, भारत के कल्चर के बारे में एक एक वीडियो अपडेट होता रहेगा और हम बिल्कुल बताते रहेंगे आपको बिल्कुल। तो आप, मेरा आपसे रिक्वेस्ट है कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और लोगों से भी करवाएं, दूसरे दोस्तों से भी। तो दोस्तों आज हम चलते हैं बौद्ध धर्म की ओर, है ना। तो बौद्ध धर्म की स्थापना कैसे हुआ आप पहले जानने का प्रयास करिए। बौद्ध धर्म जो है महात्मा बुद्ध से लिया गया है ना, महात्मा बुद्ध से लिया गया है। महात्मा बुद्ध एक राजा के लड़के थे, क्षत्रिय के लड़का थे, है ना। उनको किसी भी चीज का नहीं था लालच, किसी चीज का कमी नहीं था, है ना। इतनी ऐश्वर्य, इतनी धन संपत्ति को उन्होंने त्याग दिया। तो एक समय की बात है कि उनके घर में एक साधु महात्मा आए थे, ऋषि मुनि आए थे। तो उनके पिताजी को उन्होंने भविष्यवाणी किया कि ये जो लड़का है एक दिन घर को त्याग करेगा, क्योंकि अगर इसको दुख दोगे तो तेरे को कभी भी ये लड़का नहीं रह पाएगा, ये कभी भी छोड़कर घर को संन्यास ले सकता है। तो बात सच निकला। तो उन्होंने उनके जब उनकी शादी हुई तो जब शादी हुई तो उनकी पत्नी का नाम था यशोदा और उनके लड़का का नाम था राहुल। तो जब उस वक्त जिस वक्त वो घर को त्यागे थे उस वक्त उनका उम्र था 29 साल, 29 ईयर्स एज में उन्होंने घर को त्यागा। और त्यागने के बाद सबसे पहले उन्हें जो उपदेश दिए थे सारनाथ में दिया था, सबसे पहले उपदेश सारनाथ में, है ना, यूपी में पड़ता है। फिर वहां से धीरे चलकर चलकर बोध गया गया है ना, गया जाकर उन्होंने समाधि लगाया। वहां पे उन्होंने पीपल के वृक्ष के बैठकर उन्होंने तपस्या किया, भगवान की आराधना किया। हालांकि भगवान विष्णु का 9वां अवतार माने जाते हैं, हमारे वेद पुराण में बताते हैं कि गौतम बुद्ध जो है भगवान के 9वां अवतार हैं, विष्णु के 9वां अवतार हैं, है ना। तो उसके बाद वहां से उन्होंने बौद्ध धर्म की स्थापना किया, है ना। फिर बौद्ध धर्म के जब स्थापना किया तो यह स्थापना बौद्ध धर्म धीरे 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 फैलता चला गया, जापान, इंडोनेशिया, है ना, चाइना और श्रीलंका, तिब्बत, भूटान, ये हर देशों में फैलता चला गया। काफी देश था बौद्ध धर्म का। तो बौद्ध धर्म का जो निर्माण हुआ आज से 2500 साल पहले हुआ, यानी ईसा मसीह से भी 500 साल पहले। अब सोचो दोस्तों कि ईसा मसीह और इस्लाम धर्म से भी सबसे पुराना धर्म बौद्ध धर्म को माना जाता है ना। लेकिन उन्होंने क्या बताया, किसी का हत्या मत करो, जुआ मत खेलो, मांस मत करो, ये सब उन्होंने हत्या को रोका, है ना। इसी तरह से उन्होंने बौद्ध धर्म जो है धीरे 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 प्रचार चलता गया और इसी तरह से बौद्ध धर्म का निर्माण हुआ। दोस्तों इसी तरह से हम आपको वीडियो लाते रहेंगे और इस तरह से चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें। जय हिंद, जय भारत।